वेल कॉन्फ्रेंस ग्रेजुएट रोल्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने। सो इस क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा है हम देखेंगे, साथ साथ पूरे साल का रिजल्ट कैसा है ये भी हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सा क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, और हम साथ साथ इसका शेयर प्राइस भी देखेंगे कि एक्चुअली में अब कितना शेयर का वैल्यू है। और इसमें निवेश करने से पहले दोनों बातें आपको सोच लेनी चाहिए, उसका पी रेशियो, साथ साथ उसका मार्केट कैप कितना है, और एक साल के अंदर इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, देन आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम एक बार रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है इनका। क्वार्टर थ्री का भी कंपेयर करेंगे फोर के साथ कि ग्रोथ हुआ या नहीं इस बार। सो फ्रेंड्स, ये है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, ये रहा इसका नाम है। ये कंसोलिडेट बैलेंस शीट है, जब भी आप पी एंड एल पढ़ते हैं तो ये आपको पढ़ना जरूरी होता है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। सो ये फिगर्स इन लैक में है या क्रोर्स में है? सो फिगर्स लैक में है, आपको ये भी पढ़ना है ज़रूरी है। जब भी आप पी एंड एल लेते हैं किसी कंपनी का तो आप ये पढ़ना ज़रूरी होता है। ये रहा क्वार्टर फोर का रिजल्ट है मार्च 13, 2023। टोटल इनकम की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा 1699 करोड़, आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा सा रेवेन्यू आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। और कंपेयर करेंगे क्वार्टर थ्री से, आप ये रहा क्वार्टर थ्री का, कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लगभग लगभग आपको 200 रुपये का आपको सॉरी 200 करोड़ का आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ इस बार आपको देखने को मिल सकता है। सो एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 1628 करोड़ आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर टू का। और देखिए फ्रेंड्स, क्वार्टर टू का भी काफ़ी अच्छा सा रेवेन्यू है, साथ साथ एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छा सा मेंटेन किया है सुजलॉन कंपनी ने। सो फ्रेंड्स, इज अ वेरी बेस्ट एक्सपेंसेस मेंटेन करने का तरीका होता है। सो काफ़ी ऐसे कंपनियां हैं कि उनका रेवेन्यू ज़्यादा है बट एक्सपेंसेस भी, साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको एक्सपेंसेस मेंटेन करना एक बहुत एक मतलब झोलझाल करते रहते हैं एक्सपेंसेस में। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी में, काफ़ी अच्छा सा एक्सपेंसेस मेंटेन किया हुआ। सो हम टैक्स की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स आपको दोनों देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सा नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। 319 आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और आपको यहाँ पर कंपेंसेसिव इनकम और कंपेंसेसिव एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ देख लीजिए, और देन आपको टोटली आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा लास्ट ही यही है फिगर, ये जो पी एंड एल है, कंपेरेटिवली लॉस एंड प्रॉफिट देखने के बाद आपको ये फिगर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पूरे साल की आप देखना चाहते हैं तो ये है पूरे साल का डेटा है, ये पिछले साल का डेटा है। सो पूरे साल का डेटा और इस साल का डेटा को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है। पूरे साल की हम बात करेंगे तो पूरे साल में आपको यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है रेवेन्यू में, आप यहाँ देख सकते हैं 5990 करोड़ है, यहाँ पर 6603 करोड़ से आपको देखने को मिलेगा, मतलब रेवेन्यू में आपको लगभग लगभग 600 करोड़ का आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। और आप यहाँ एक्सपेंसेस देख सकते हैं, आपको यहाँ एक्सपेंसेस देखने को मिलेगा, ये रहा एक्सपेंसेस है। आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये रहा नेट प्रॉफिट है। पिछले साल बेसिकली रेवेन्यू ज़्यादा था बट एक्सपेंसेस सॉरी नेट प्रॉफिट लॉस में था। सो इस बार काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू अच्छा था बट लॉसेस पर था, एक्सपेंसेस मेंटेन अच्छा नहीं किया था लगता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर रेवेन्यू कम है बट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा सा नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने की एक चाह होता है, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो उस समय आपको बहुत एक्सपेंसेस
होते रहते हैं। सो इसलिए आपको ये फिगर भी देखने को मिल सकता है कि बिजनेस एक्सपेंड की वजह से भी कंपनी लॉसेस में जा सकता है, मतलब कंपनी का पी एंड एल लॉस में रह सकता है। सो फ्रेंड्स, इसकी कंपनी की एक बार शेयर की शेयर करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स शेयर में कैसा है। सो फ्रेंड्स, 11 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस है। आज ही इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है, सो पॉजिटिव में रिजल्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 रुपये से ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब लगभग लगभग 10% का आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा सा रेवेन्यू इस बार सुजलॉन कंपनी से देखने को मिल सकता है। 1 साल की हम बात करेंगे तो रिटर्न में 36% का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो 36% इज़ अ बेस्ट रिटर्न कह सकते हैं। तो पी रेशो की बात करेंगे तो पी रेशो 5 है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, काफ़ी अच्छा सा पी रेशो है। सो बेस्ट पी रेशो है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करने का एक चांसेस हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक पावर का इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर है। आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, आपके साथ साथ आपको रिटर्न भी आपको यहाँ से अच्छा सा देखने को मिलेगा, और हाई एंड लो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो 13.32 ट्रिलियन करोड़ आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। बेसिकली एक पावर इंडस्ट्री का सेक्टर है, काफ़ी अच्छा सा कंपनी है फ्रेंड्स। एक स्मॉल वीडियो आपके लिए था, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।